सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 6 पावरफुल मड़ी यूजर्स इन एकांत। हमें अब तक एकांत शो में 3 मड़ियाँ दिखाई गई हैं, नाग मड़ी, तत्व मड़ी एंड ड्रैगन मड़ी। इन तीनों मड़ियों की ओरिजिन की बात की जाए तो सबसे पहले आया था तत्व मड़ी, और तत्व मड़ी के पावर से सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल किया जा सकता था। और उस समय के लोगों को इस मड़ी के बारे में पता चला तो उन्होंने इस मड़ी की रक्षा के लिए 2 और रक्षक मड़ी बनाई, जिसमें से पहला मड़ी था नाग मड़ी, इसमें नागों की शक्तियाँ थी, और दूसरा रक्षक मड़ी था ड्रैगन मड़ी, इसमें ड्रैगन्स की पावर्स थी। अब इन तीनों मड़ियों का ओरिजिन यही खत्म होता है, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस लिस्ट के 6th नंबर पर है सपेरा। एकांश की ओरिजिन स्टोरी मूवी में जब सपेरा ने एकांश से उसका नागमणि छीन लिया था तब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। नागमणि की पावर्स के मिलने के बाद उसने एक स्नेक मॉन्स्टर को क्रिएट किया था जो कि सच में बहुत पावरफुल थी। तो 5th नंबर पर है चीकू। चीकू को एकांश के मिस्ट्री ऑफ थ्री जेम्स मूवी में कुछ देर के लिए ड्रैगन मड़ी मिला था। हालांकि चीकू ने ड्रैगन मड़ी की कुछ खास पावर्स का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन उसने ड्रैगन मड़ी के जितने भी पावर का इस्तेमाल किया था उतना काफ़ी था उसको 5th रैंक में रहने के लिए। तो नंबर 4 पर है चैन, जो कि ड्रैगन मड़ी का फर्स्ट यूजर था। चैन को मैंने नंबर 4 पर इसलिए रखा है क्योंकि इसने चीकू से बेहतर तरीके से ड्रैगन मड़ी का इस्तेमाल किया था, और ड्रैगन मड़ी की पावर्स लगभग नाग मड़ी के बराबर ही थी। चैन के पास ड्रैगन मड़ी ज़्यादा समय तक नहीं थी, इस वजह से वो ड्रैगन मड़ी की सारी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उसने ड्रैगन मड़ी की काफ़ी सारी पावर्स का इस्तेमाल किया था। तो नंबर 3 पर है कियारा, जो कि तत्व मड़ी की सेकंड यूज़र थी। मैंने कियारा को 3rd रैंक पे इसलिए रखा है क्योंकि वह तत्व मड़ी की यूज़र है, और ये हम सब जानते हैं कि ड्रैगन मड़ी से ज़्यादा पावरफुल तत्व मड़ी है। कियारा ने तत्व मड़ी के टोटल 3 एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया था, जो कि है एयर एलिमेंट, आइस एलिमेंट एंड स्काई एलिमेंट। नंबर 2nd पे है लियो, जो कि तत्व मड़ी का फर्स्ट यूजर था। मैंने लियो को कियारा से ऊपर रैंक पे इसलिए रखा है क्योंकि कियारा ने तत्व मड़ी के सिर्फ 3 एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया था, और वही लियो ने तत्व मड़ी के सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया था, जो कि है वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, स्काई एलिमेंट एंड लाइटनिंग एलिमेंट। तो नंबर 1 पे है एकांश, जो कि नागमणि का फर्स्ट यूजर है, और ड्रैगन मड़ी की तरह ही नागमणि भी एक रक्षक मड़ी है, और हर मड़ी अपना मालिक खुद चुनता है, और नागमणि ने एकांश को चुना था। एकांश को नागमणि से बहुत सारी पावर्स एंड एबिलिटीज मिलती हैं, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, हाई रिफ्लेक्सेस, सेंस ऑफ परसेप्शन जिससे वो खतरे को पहले ही सेंस कर लेते हैं, और कैमोफ्लेज जिससे वो इनविजिबल हो सकते हैं। वो एक तरह से आसपास के माहौल में ढल जाता है जिससे वो इनविजिबल लगते हैं, लेकिन ये पावर्स काफ़ी नहीं है एकांश को फर्स्ट रैंक में रहने के लिए। मैंने एकांश को उसके 2 न्यू पावर्स की वजह से उसे फर्स्ट रैंक पर रखा है। उसका फर्स्ट न्यू पावर है अग्निनाग, जो उसका अब तक का सबसे पावरफुल अटैक भी माना जाता है। उसका सेकेंड न्यू पावर है पंचमुखी अवतार, ये भी एक तरह से अग्निनाग जैसे ही है। पंचमुखी अवतार एक सुरक्षा कवच के बराबर ही है, कोई भी अटैक इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और एकांश का एक लास्ट पावर जो कि पंचमुखी अवतार से भी ज़्यादा पावरफुल है, जो है एकांश और नागमणि का बॉन्ड। एकांश और नागमणि दोनों आत्मा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जब भी एकांश पर कोई भी खतरा आता है तो नागमणि उसे खुद बचा लेता है। तो यही थी आज की वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।